जय हिंद साथियों, आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय NRC के ऊपर। NRC से तात्पर्य है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जो इस समय भारत के एक राज्य असम में विवाद का विषय बना हुआ है। राजनीतिक दलों के मध्य भी इस मुद्दे को लेकर के घमासान जारी है। आइए हम पहले जानते हैं कि ये NRC है क्या। दरअसल NRC अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एक ऐसी सूची है जिसमें असम में रहने वाले उन सभी लोगों के नाम दर्ज होंगे जिनके पास 24 मार्च 1971 तक या उसके पहले अपने परिवार के असम में होने के सबूत मौजूद होंगे। असम देश का इकलौता राज्य है जहां के लिए इस तरह के सिटीजनशिप रजिस्टर की व्यवस्था है। इस तरह का पहला रजिस्टर वर्ष 1951 में जारी किया गया था। 1947 में बंटवारे के समय कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी जमीन जायदाद असम में ही थी और लोगों का दोनों तरफ से आना जाना बंटवारे के बाद भी जारी रहा। इसमें 1950 में हुए नेहरू लियाकत पैक्ट की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आइए अब हम जानते हैं कि NRC की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल ये 15 अगस्त 1985 में केंद्र और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच हुए एक समझौते का हिस्सा है। आसू अर्थात ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने 1979 में असम में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान और उन्हें वापस भेजने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। असम समझौते के बाद आंदोलन से जुड़े नेताओं ने असम गण परिषद नाम से एक राजनीतिक दल का गठन कर लिया, जिसने राज्य में दो बार सरकार बनाई। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2018 को 1.9 करोड़ असमिया लोगों की सूची जारी की। ये असम के कुल 3.29 करोड़ लोगों में से हैं। सरकारी समाचार एजेंसी का कहना है कि पहले ड्राफ्ट के रिलीज के वक्त भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा था कि इस मसौदे में उन 1.9 करोड़ से कुछ अधिक लोगों के नाम हैं जिनके दस्तावेजों को सत्यापित किया जा चुका है। दूसरे नाम जांच की विभिन्न चरणों में हैं। जैसे ही उनका सत्यापन हो जाएगा, हम अगला ड्राफ्ट जारी करेंगे। नागरिकों के सत्यापन का कार्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मई 2015 में शुरू हुआ। आइए अब हम जानते हैं कि किसे माना जाएगा भारत का नागरिक। जिनके नाम या जिनके पूर्वजों के नाम 1951 के NRC में या 24 मार्च 1971 तक के किसी वोटर लिस्ट में मौजूद हों, उन्हें ही भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा 12 दूसरे तरह के सर्टिफिकेट या कागजात, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, पट्टेदारी के दस्तावेज, पासपोर्ट, अदालत के पेपर्स भी अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति का नाम 1971 तक के किसी भी वोटर लिस्ट में मौजूद ना हो लेकिन किसी दस्तावेज में उसके किसी पूर्वज का नाम हो, तो उसे उस पूर्वज से रिश्तेदारी साबित करना होगी। असम में आने वाले विदेशी शरणार्थियों का मामला शुरुआत से ही काफ़ी गंभीर रहा है। राज्य ने दो बार बड़े पैमाने पर शरणार्थियों की घुसपैठ देखी है। पहली बार बड़ी संख्या में अवैध शरणार्थी देश के बंटवारे के वक्त असम में आए। फिर 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान शरणार्थियों की भारी संख्या असम में आई। अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा 1978 के मंगलदोई लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिला, जब वोटर लिस्ट में अचानक लोगों की संख्या बढ़ गई। असम के एक छात्र संगठन आसू ने इस मुद्दे पर आंदोलन किया। बाद में इसमें और भी शामिल हुए। 6 साल चले इस आंदोलन ने असम अकॉर्ड की या असम समझौते की नींव डाली। देश में असम ही एकमात्र राज्य है जहां पर सिटीजनशिप रजिस्टर की व्यवस्था लागू है। असम में सिटीजनशिप रजिस्टर देश में लागू नागरिकता कानून से थोड़ा अलग है। प्रदेश में 1985 से लागू असम समझौते के अनुसार 24 मार्च 1971 की आधी रात तक असम में प्रवेश करने वाले लोग और उनकी अगली पीढ़ी को भारतीय नागरिक माना जाए। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने AJP से
एक समझौता किया था। असम में 1980 में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हावी था। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने के बाद से ही असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का अवैध प्रवेश जारी था। घुसपैठ के मुद्दे ने राज्य की राजनीति में भी जोर पकड़ा और सिटीजनशिप रजिस्टर अपडेट करने को लेकर आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन का नेतृत्व अखिल असम छात्र संघ आसू और असम गण परिषद ने किया था। आइए अब हम जानते हैं ये असम अकॉर्ड है क्या। 1985 में केंद्र सरकार, असम सरकार, आसू और AAGSP के बीच असम अकॉर्ड हुआ। असम समझौते और फिर नागरिकता अधिनियम में संशोधन के बाद विदेशियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी में वे जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम आए, दूसरी कैटेगरी में वे जो 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच असम आए, तीसरी कैटेगरी में वे जो 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए। पहली कैटेगरी को पूर्ण नागरिक के तौर पर समझा गया, दूसरी कैटेगरी को 10 साल तक वोटिंग अधिकार से बाहर रखा गया और तीसरी कैटेगरी वालों को देश छोड़कर जाना होगा। राजीव गांधी ने अवैध बांग्लादेशियों को बाहर करने का आश्वासन दिया था। राजीव गांधी सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर करने का आश्वासन दिया था। इस समझौते में कहा गया कि 24 मार्च 1971 तक असम में आकर बसे बांग्लादेशियों को नागरिकता दी जाएगी। इस तय सीमा के बाद आए बाकी लोगों को राज्य से डिपोर्ट किया जाए। NCR पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। दरअसल बाद के वर्षों में यह मामला लटकता चला गया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। असम पब्लिक वर्क नाम के NGO सहित कई अन्य संगठनों ने 2013 में इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका अर्थात PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और निगरानी में यह काम शुरू हुआ और 2018 जुलाई में फाइनल ड्राफ्ट पेश किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 40 लाख लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं उन पर किसी तरह की सख्ती बरतने पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है।